दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। प्रदेश की कांग्रेस सरकार माननीय न्यायालय के निर्णय की अनदेखी कर रही है। ये बात पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में पेंशनरों की मांगों को लेकर माननीय न्यायालय की ओर से सरकार को निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन सरकार ने इन निर्देशों की पालना नहीं की है। उन्होंने कहा कि यदि 31 जनवरी तक सरकार ने कर्मचारी और पेंशनरों की मांगों को पूरा नहीं किया तो 1 फरवरी को प्रदेश का कर्मचारी वर्ग सड़कों पर उतरेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। सरकार हाईकोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही है। हमारे कुछ पेंशनर जो है वो हाईकोर्ट गए थे कि हमारे को जो है जो वित्तीय लाभ है वो सरकार नहीं दे रही है 2016 से। तो हाईकोर्ट ने आदेश करे थे सरकार को कि वो जो 2016 से जो रिटायर हुए हैं कर्मचारी उनको जो है वित्तीय लाभ तुरंत दिए जाए 6% इंटरेस्ट के साथ। पर आप ये देखिए कि सरकार ने वो आदेश माने नहीं और जिन अधिकारियों ने ये पैसा रिलीज किया उन अधिकारियों के खिलाफ जो सरकार ने कार्रवाई कर दी और बाकी सारा पेंडिंग कर दिया। आप ये बताइए कि पहली बार प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि सरकार जो है न्यायालय के आदेशों को नहीं मान रही है। इसके अलावा दूसरा आप ये देखिए जो CPS का मामला है, CPS के मामले में हाईकोर्ट ने क्लियर किया था कि अगर ये मंत्रियों की सुविधा ले रहे हैं तो इनको जो है हटा दिया जाए। और आप इस बात को देखो कि ये सुविधा ले रहे हैं, नेशनल फ्लैग ये लगा रहे हैं, गाड़ी इनके पास है, सचिवालय में कमरा इनके पास है, कोठियाँ इनके पास है, TADA ये ले रहे हैं, उद्घाटन ये कर रहे हैं। तो आप बताइए कि कोर्टों के आदेशों को ये क्यों नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा हमने ये पहले भी कहा है कि 31 जनवरी से पहले जो है कर्मचारियों को एरियर 12% DA मेडिकल जो रिवर्समेंट का पैसा है वो उनकी अदायगी तुरंत कर दें, नहीं तो फिर 1 फरवरी से हम जो पूरे प्रदेश में संघर्ष का ऐलान करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज सरकार की हालत बहुत खस्ता है। इन 13 महीनों में 14,100 करोड़ कर्जा जो है सरकार ने ले लिया है। इसके अलावा जो है प्रदेश के जो कांग्रेस के जो 12 MLA इस वक्त एट प्रेजेंट वो इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं वो कभी कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा सुखविंदर सुक्खू सरकार से कि मेरे भाई बात ये है कि कर्मचारियों से पंगा मत लो, पेंशनरों से पंगा मत लो, बेरोजगारों से पंगा मत लो और कर्मचारियों का जो बनता वो दे दो उनको, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं हिंदुस्तान तो क्या है पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, सरकारें गिराने में भी सरकारें बनाने में भी ये इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का। पर मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है कर्मचारियों से फजूल का टकराव का वातावरण ना लें और पैसों का इंतजाम तो आपने करना है, सरकार आपके पास है, आप कर्जा लो जो मर्जी करो पर कर्मचारी पैसों को ये जो वित्तीय लाभ है ये तुरंत दें। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।